तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये मैं आ चुका हूँ पबजी मोबाइल 1.8 के बीटा के अंदर। और बीटा में ना कल ही जो है 1.8 का अपडेट आ चुका था और इस वाले अपडेट में आपको जो है पूरा पूरा एनिवर्सरी थीम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट बटन को कितना ज़्यादा ओपी बनाया गया, एकदम चमक रहा है स्टार्ट बटन। और यहाँ पर ना आफ्टर मात नाम का एक नया मैप आपको देखने को मिलेगा। नया मैप की मतलब कि जो लिविक मैप है ना उसी को जो है बहुत हद तक इम्प्रूव किया गया है। समझ लो गाइस लिविक का जो है ये फाइनल वर्जन होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा लिविक के जैसे ही पूरा अंदर में यहाँ पे जो है जितना भी बर्फ वाला चीज़ था ना लिविक के अंदर वो सबको हटा दिया गया है। यहाँ तक कि जो एक तो लावा वॉल्केनो जो है आप देख पा रहे हो इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसका मैं बाद में कभी दिखा दूंगा आपको, फिलहाल के लिए दिखाऊंगा बहुत सारे नए नए लीक्स आ चुके हैं। जी हाँ गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब कुछ चेंज कर दिया गया है, पूरा पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा पीसी जैसा लुक दिया गया, ठीक है। पबजी पीसी जैसा लुक दिया गया है। इन्वेंट्री में ना यहाँ पे आप दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की हमें नए नए हम लोग जो है स्किन्स देखने को मिलेंगे। मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका भी एक तो नया स्किन आने वाला है जो कि सैंटा स्पाइडरमैन स्किन है, ठीक है। स्पाइडरमैन की तरह स्किन है, क्या स्किन होगा दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो अच्छे से वीडियो को देखते रहो। यहाँ तक नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड का लीक्स आ चुका है, रॉयल पास का भी कुछ कुछ नया नया लीक्स आ चुका है, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा अच्छे से देखते रहो। अब गाइस यहाँ से आपको बहुत सारे प्रीमियम क्रेड लीक्स दिखाऊंगा, यहाँ तक कि जो है आपको रॉयल पास के भी कुछ लीक्स दिखाऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो एवेटर देख पा रहे हो ना ये है प्रीमियम क्रेड का लीक, इसका नाम है ड्रीम रैंचर एवेटर, ठीक है। पता ना गाइस कैसा लगा, पसंद आएगी नहीं। इस टाइप का आपको जो है आउटफिट देखने को मिलेगा, बहुत ही रंग बिरंगा टाइप का है। नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड सेट होने वाला है यहाँ पे विंटेज पोस्ट एवेटर, ये भी एक तो है प्रीमियम क्रेड का आउटफिट होने वाला है। ये दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों एक ही प्रीमियम क्रेड में नहीं आएगा, अलग अलग प्रीमियम क्रेड में आएगा। कहीं अभी तक मंथ 6 का रॉयल पास आया ही नहीं है, लेकिन मंथ 7 और मंथ 8 का यहाँ पे लोगो निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7 और 7 प्लस को, ठीक है। देख के क्या लग रहा है, कौन सा थीम में बताओ कमेंट्स के अंदर। मुझे लगता है हल्का हल्का वुडन थीम पे होने वाला ही है। यहाँ तक आप 8 का लोगो देख पा रहे हो, मंथ 8 और 8 प्लस का भी निकल के आ चुका है, दोनों जो है अलग अलग थीम पे होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर रहता है। अभी तो यहाँ पे देख कुछ समझ में आ रहा नहीं, हल्का हल्का ये वॉल्केनिक थीम पे है, रेड रेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो C2S4MK14, ये स्किन आपको देखने को मिलेगा टीयर रिवॉर्ड के अंदर, जी हाँ गाइस नेक्स्ट सीजन। अब यहाँ पे जितना भी इमोट दिखाऊंगा ना ये कुछ कुछ जो आपको प्रीम क्रेड में देखने को मिलेगा, कुछ कुछ जो है अलग सबको रॉयल पास का देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ जो है स्पिन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमोट्स आने वाले हैं, लेकिन कोई भी कहाँ पे आएगा एक्जैक्टली बताया नहीं गया, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे अच्छे से। अब इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आगे जाके मैं आपको जो है एनिवर्सरी का लॉबी दिखाऊंगा कि किस तरीके का लॉबी होने वाला है, बहुत ज़्यादा ओपी लॉबी होने वाला है, तो वो दिखाऊंगा मैं आगे जाके। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहो क्योंकि ये जो लॉबी का थीम है ना वो पूरा लीक होकर आ चुका है एक्जैक्टली। क्योंकि अब बीटा मैंने आपको दिखाया वो आधा ही था, वो स्टार्ट बटन तो आप देख ही लिया होगा, लेकिन पूरा का पूरा लॉबी कैसा होगा वो भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। देख पाओ यहाँ पर राइजिंग स्टार इमोट है, यहाँ कुछ बैचना नहीं है, कुछ गाना वाला इमोट है नाचने वाला, ठीक है, अलग से एक साउंड देगा। देखते हैं ये सब रॉयल पास के अंदर आता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार इस टाइप का इमोट हम लोग रॉयल पास के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। और बता दूंगा इसकी एनिवर्सरी आने वाला है, तो इसका मतलब कि रॉयल पास भी काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है, तो नेक्स्ट अपडेट जो है ना वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉबी कितना ज़्यादा ओपी बनाया गया है, और यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि रॉयल पास भी बहुत ज़्यादा ओपी बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि मुझे एक तो प्रीमियम क्रेड भी बहुत ही अच्छा लगा था, जो एक तो लेडी हंस रही थी ना उसका भी आउटपुट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। आपको क्या अच्छा लगा बताना कमेंट के अंदर में, ठीक है। जैसे कि मैंने बीटा में बता दिया था कि यहाँ पे रे का एक तो अलग से कॉस्ट्यूम आने वाला है, आप देख पा रहे हो स्पाइडरमैन का जो नो वे होम का एक तो सेट आने वाला है इसका, ठीक है। इसका भी कोलैबोरेट कर लिया है पबजी मोबाइल ने, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इसका कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, इसका भी जो अलग से आपको स्पिन में या फिर क्रेट के अंदर या फिर जो है यूसी से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं पबजी मोबाइल जो है कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती जिससे जो है वो पैसा कमा पाए। तो गाइस ये वाला होने वाला अपना नया लॉबी थीम है, आप देख पा रहे हो बेहतरीन सा लॉबी थीम है ये, और इसके साथ हो सकता है हम लोग को अलग से एक तो फंकी म्यूजिक भी दे दिया जाए जिसका तो और भी ज़्यादा ओपी लगे, ठीक है। देख पा रहे हो जब इसको अप्लाई कर दोगे तो किस तरह की लगेगा, पीछे में राइट साइड में एयर ड्रॉप लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में हेलमेट बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फंकी लग रहा है। आप बताओ इसकी कैसा लगा ये लॉबी थीम, पसंद आया कि नहीं, जरूर बताना कमेंट्स के अंदर में। तो गाइस फिर से जो है एक तो नया कंपेनियन देखने को मिलेगा, इसका नाम है कैथी, यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रीन कलर का एक तो कंपेनियन होने वाला ही है, कुछ एलियन टाइप का फीलिंग दे रहा है, ठीक है। जरूर बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको, क्यूट लगा कि नहीं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा ये बड़ा बड़ा दांत से, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग नए नए वॉइस पैक्स जो कि हम लोग को इंडियन वर्जन में आने वाले BGMI के अंदर, ओनली BGMI में आएगा क्योंकि गाइस ये ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के एथलीट्स है जो कि ओनली BGMI के लिए बनाए गए, ठीक है। यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पे तमिल के भी आएंगे, यहाँ पे हिंदी के भी आएगा, तो कैस्ट्रो जो है ना या हम लोग जो है तमिल का या फिर मलयालम का वॉइस देखने को मिलेगा, कुछ तरह से यहाँ पर स्नैक्स का वॉइस देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि जोनाथन का भी वॉइस देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है इस 1.8 का अपडेट। गाइस बताओ वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और घंटा दबा लो क्योंकि ऐसा ऐसा मीज में लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करो, मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा।